बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि फ्रिज में रखे हुए चावल आप हरगिज़ ना खाएं, वरना काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो क्या नुकसान हो सकता है, इसकी तफसील इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन इससे पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तिब्बी माहिरीन की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि फ्रिज में रखे हुए चावल खाने से फूड पॉइजनिंग का ख़तरा होता है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी गिज़ा में चावल लाजमी जूस के तौर पर शामिल ना हो, और रवायती खानों में भी बिरयानी सबसे मरगूब और लजीज तरीन गिज़ाओं में पसंदीदगी के लिहाज से अव्वल नंबर पर है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बेशतर औकात घरों में रखे हुए पुराने चावल जो फ्रिज में महफूज किए जाते हैं सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। माहिरीन का कहना है कि चावल को दोबारा गर्म करना ख़तरनाक नहीं, बल्कि अहम ये है कि चावल पकाने के बाद उन्हें महफूज कैसे किया जाए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक चावल जितना ज़्यादा मामूल के दर्जा हरारत पर तैयार होते हैं वो सेहत के लिए इतने ही नुकसानदेह होते हैं। तिब्बी माहिरीन ने मज़ीद बताया कि जब चावल कच्चे होते हैं तो उसमें फूड पॉइजनिंग वाले जरासीम मौजूद होते हैं जो पकने के बाद मज़ीद बढ़ जाते हैं। माहिरीन ने मशवरा दिया कि अगर चावलों को पूरी रात पानी में भिगोकर रख दें तो इसमें से आर्सेनिक की 80% मकदार कम हो जाती है और सिर्फ इतनी मकदार रह जाती है जो सेहत के लिए ज़्यादा मौलिक नहीं होती। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।